गाइज यहाँ पे बात करने वाले हैं HTC U12 Plus के बारे में। हालांकि इससे पहले HTC U11 Plus लॉन्च कर दिया था, उसी का अपग्रेड वर्जन है। तो देखेंगे इस वीडियो में कि इस फोन में क्या इंटरेस्टिंग फीचर हम लोगों को देखने को मिलता है। ये फोन 6 इंच का है, QHD+ सुपर एमोलेड के साथ ये फोन आ रहा है। क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर दे रहा है, 6 GB का रैम है। पीछे की तरफ बात करें तो 12+ 60 MP का वाइड एंगल HD UP 4 सेंसर के साथ ये फोन आ रहा है। पीछे रियल कैमरा, डुअल कैमरा है, PDF, लेजर फोकस, 2x ऑप्टिकल जूम, 10x डिजिटल जूम जैसे फीचर इस फोन में दिए हुए हैं। फ्रंट की तरफ बात करें तो फ्रंट में 8+8 MP का डुअल कैमरा यहां पे दिया हुआ है वाइड एंगल सेंसर के साथ। इस फोन में दो वेरिएंट है, 64 GB और 128 GB। अगर आप 64 GB का फोन लेते हैं तो इसका प्राइस 54,600 रुपया हो जाएगा। अगर 128 वेरिएंट वाला फ़ोन लेते हैं तो इसका प्राइस 58,000 रुपया रखा हुआ है। देखते हैं कि लॉन्च होने के बाद ये प्राइस कम होता है या बढ़ता है। हालांकि कम होना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा प्राइस है। इसके अलावा हम लोगों को और भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि iPhone 7 Plus, Samsung Galaxy S9 Plus, ये भी इस प्राइस रेंज में आ जाते हैं। इसका रेजुलेशन की बात करें तो 1440x2880 पिक्सल दिया हुआ है। बैटरी क्षमता 3500 mAh की इसमें बैटरी दिया हुआ है। ये फ़ोन बहुत सारे कलर वेरिएंट में आ रहे हैं, जैसे फ्रेम रेड, सेरामिक, ब्लैक, वाइट, ब्लैक, ये सब कलर में ये फ़ोन अवेलेबल होने जा रहा है। तो आप बताइएगा कि आप इस फ़ोन के लिए क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा वीडियो जब भी अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।